आइए आपको एक बेहद खास शाम में लिए चलते हैं, जहां पर गिरिजा देवी की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं उनकी शिष्या सुनंदा शर्मा। सुनंदा शर्मा ने इस कार्यक्रम में अपने सुरों से सभी को भिगो दिया। अपनी सुर लहरियों से सभी को भिगोती ये है बनारस घराने की मशहूर गायिका विदुषी सुनंदा शर्मा, जिन्होंने हाल ही में राजधानी दिल्ली में प्रस्तुत किया बूंदन फुआर नामक एक मनमोहक संगीत कार्यक्रम। गिरिजा दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संगीत कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मनमोहक धुनों के माध्यम से मॉनसून की एक भावपूर्ण खोज प्रस्तुत की गई। इस संगीत कार्यक्रम में हारमोनियम पर पंडित विनय मिश्रा, तबले पर पंडित मिथिलेश कुमार झा और सारंगी पर यू गुलाम अली सहित संगीतकारों का एक शानदार समूह शामिल था। साथ मिलकर इन्होंने एक ऐसा संगीतमय अनुभव तैयार किया जो बरसात के मौसम में मौजूद सभी दर्शकों को भिगो गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मॉनसून संगीत उत्सव बूंदन फुहार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक सुंदर उत्सव प्रस्तुत करता है। मानसून के इस उत्सव में बूंदन फुहार का आयोजन वास्तव में कला संगीत के व्यापकता का उत्सव है और हम कह सकते हैं इसका भाव कुछ ऐसा ही है जैसा कबीर दास जी ने कहा था कि समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। पीढ़ियों तक फैली संगीत परंपरा के साथ सुनंदा अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं। शिष्य परंपरा में उनके गहन प्रशिक्षण ने उनकी कलात्मकता को पूर्णता तक पहुंचाया है। इस कार्यक्रम के जरिए संगीत के जादू के माध्यम से मॉनसून के सार को पकड़ने का प्रयास किया गया। बारिश की लय के साथ प्रकृति जीवंत हो उठती है। सुनंदा शर्मा की मधुर आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
पद्म विभूषण महान गायिका गिरिजा देवी की शिष्या सुनंदा शर्मा के सुरों से सजी ये शाम यकीनन लंबे समय तक लोगों के लिए यादगार रहेगी। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज़।